हेलो स्टूडेंट्स, माई सेल्फ योगेंद्र शर्मा फिर से अपने चैनल फेयर इंग्लिश क्लासेस में आपका स्वागत करता हूं। आज हम फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस के बारे में पढ़ेंगे। इससे पहले हमने आपको प्रेजेंट इंडेफिनिट और पास्ट इंडेफिनिट टेंस पढ़ाया है, आज हम फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस के बारे में पढ़ेंगे। फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस को सबसे पहले हम पहचानते कैसे हैं, उसकी पहचान क्या होती है। तो हम इन इसके जो सेंटेंस होते हैं फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस के, उसके जो हिंदी वाक्य होते हैं उनकी जो वर्ब होती है उसके लास्ट में, उसके एंड में गा, गी, गे आदि शब्द होते हैं। किसी भी सेंटेंस के अंत में क्या होते हैं, गा, गी, गे, और जिनके अंत में गा, गी, गे शब्द आते हैं वो फ्यूचर इंडेफिनिट के होते हैं। अब इसकी हेल्पिंग वर्ब क्या होती है, हेल्पिंग वर्ब होती है इसकी विल और सेल। विल और सेल का यूज कैसे करते हैं, इसके रूल्स हैं। यदि हमारा सब्जेक्ट आई और वी है तो उसके साथ हम हेल्पिंग वर्ब सेल लगाएंगे। उसके साथ कौन सी हेल्पिंग वर्ब लगाएंगे, सेल लगाएंगे। बाकी जो अदर सब्जेक्ट्स बचते हैं, चाहे वो ही है, सी है, इट है, दे है, सिंगुलर नंबर का है, प्लूरल नंबर का है, किसी भी नंबर का है, सबके साथ हम अदर सब्जेक्ट के साथ विल का यूज करते हैं। आई वी के साथ सेल और अदर सब्जेक्ट के साथ विल, इससे ज़्यादा आसान कोई भी बात नहीं है। तीसरी बात, क्योंकि ये इंडेफिनिट है और अर्लियर वीडियोज में मैंने आपको बताया था कि जितने भी इंडेफिनिट टेंसेस होते हैं उनमें सब में केवल पास्ट इंडेफिनिट के पॉजिटिव सेंटेंस को छोड़ करके सब में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग होता है। तो उसी सीरीज में फ्यूचर इंडेफिनिट के वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग होगा। कल के लिए इसमें टुमारो लगाते हैं। अब हम एफर्मेटिव सेंटेंस बनाते हैं। तो एफर्मेटिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर क्या होता है कि पहले सब्जेक्ट लगाते हैं, उसके बाद में हेल्पिंग वर्ब होती है, फिर वर्ब होती है, वर्ब के बाद में ऑब्जेक्ट होता है और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होती है ये, उसके बाद में ऑब्जेक्ट होता है एंड देन अदर वर्ड्स। फॉर एग्जाम्पल, माली बाग में पानी लगाएगा, माली बाग में पानी लगाएगा। अकॉर्डिंग टू द स्ट्रक्चर सबसे पहले हम सब्जेक्ट लगाते हैं, कौन लगाएगा, माली लगाएगा, द गार्डनर। आफ्टर दैट हेल्पिंग वर्ब विल, क्यों, क्योंकि विल का प्रयोग होता है इनके साथ। बाकी सेल का प्रयोग किसके साथ होता है, आई और वी के साथ। एंड आफ्टर दैट पानी लगाना, वाटर मीन्स पानी लगाना। एंड ऑब्जेक्ट द गार्डन, द गार्डनर विल वाटर द गार्डन। इसके बाद में दोस्तों हम चलते हैं नेगेटिव सेंटेंस की तरफ। हाँ, नेगेटिव सेंटेंस का सीधा सा फंडा है, बड़े आसानी से समझ में आता है कि हेल्पिंग वर्ब के बाद में क्या लगाना है, नॉट लगाना है, नॉट लगाना या नेवर लगा देना। यदि कभी नहीं हो तो नेवर लगा देंगे और यदि केवल नहीं आ रहा है तो नोट लगा देंगे। बाकी स्ट्रक्चर कैसा, बिल्कुल एफर्मेटिव सेंटेंस की तरह, पॉजिटिव सेंटेंस की तरह। पहले सब्जेक्ट लगाया, उसके बाद में हेल्पिंग वर्ब, फिर नोट और यदि कभी नहीं है तो नेवर लगाया, उसके बाद में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाई, आफ्टर दैट ऑब्जेक्ट एंड देन अदर वर्ड्स। फॉर एग्जाम्पल, डॉक्टर मरीज को नहीं देखेगा, सब्जेक्ट द डॉक्टर, हेल्पिंग वर्ब विल, Not, वर्ब देखने की इंग्लिश क्या बनेगी, examine, क्योंकि उस तरह से देखना नहीं है, इसका मतलब जांच करना, examine the patient, डॉक्टर मरीज को नहीं देखेगा। So I think you are getting me, okay? Let's move towards interrogative sentences. अभी मैंने आपको पिछली वीडियोज में बताया interrogatives दो प्रकार के होते हैं, first type और second type. फर्स्ट टाइप कौन सा होता है, फर्स्ट टाइप वो होता है जो इंग्लिश में हेल्पिंग वर्ब से शुरू होता है और हिंदी में हमेशा क्या से शुरू होता है। तो हिंदी में क्या से शुरू होता है और इंग्लिश में हेल्पिंग वर्ब से शुरू होता है। अब इसका स्ट्रक्चर क्या है, पहले हेल्पिंग वर्ब लगाते हैं, उसके बाद में सब्जेक्ट होता है, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, उसके बाद में ऑब्जेक्ट एंड देन अदर वर्ड्स, उसके बाद में साइन ऑफ इंटरोगेशन होता है। फॉर एग्जाम्पल, क्या भारत अमेरिका की सहायता करेगा, तो क्या की अंग्रेजी नहीं लगाएंगे, क्या करेंगे, हेल्पिंग वर्ब लगाएंगे, हेल्पिंग वर्ब क्या आएगी, विल, क्योंकि सब्जेक्ट हमारा इंडिया होगा, विल इंडिया हेल्प, सहायता करना, हेल्प अमेरिका। तो ये फर्स्ट टाइप हुआ। सेकंड टाइप में क्या होता है, यदि हिंदी वाक्य है तो उसके बीच में क्या, क्यों, कब, कैसे, कहाँ, ये क्वेश्चन वर्ड होते हैं। और यदि इंग्लिश है तो इंग्लिश में सबसे पहले क्वेश्चन वर्ड सबसे पहले आता है, हिंदी में क्वेश्चन वर्ड बीच में आता है और इंग्लिश में सबसे पहले आता है। फॉर एग्जाम्पल, प्रधानमंत्री भाषण कब देंगे, तो अब जो मैंने स्ट्रक्चर लिखा हुआ है उसमें सबसे पहले हमने क्या लिखा है, क्वेश्चन वर्ड कब, व्हेन, उसके बाद में हेल्पिंग वर्ब विल, सब्जेक्ट
प्रधानमंत्री, द प्राइम मिनिस्टर। और भाषण देने के लिए डिलीवर का प्रयोग होता है, डिलीवर ए स्पीच। और फिर साइन ऑफ इंटरोगेशन, प्रश्नवाचक चिन्ह, क्वेश्चन मार्क लगा देते हैं। तो ये हमारा हुआ फर्स्ट टाइप और सेकंड टाइप। एक बार फिर से ब्रीफ कर देता हूँ, फर्स्ट टाइप कौन से होते हैं जो हिंदी में क्या से शुरू होते हैं और इंग्लिश में हेल्पिंग वर्ड से शुरू होते हैं। सेकंड टाइप वो होते हैं जो हिंदी में बीच में क्वेश्चन वर्ड होते हैं क्या क्यों कब कैसे, और अंग्रेजी में इंग्लिश में शुरुआत में होते हैं, ओपनिंग में होते हैं। अब देखिए इसके कुछ वैल्यूएबल इंटरेस्टिंग पॉइंट्स हैं, वो क्या होते हैं कि यदि आप किसी वाक्य से, किसी वाक्य में आपको लग रहा है कि कोई आदेश दिया, कोई धमकी दी जा रही है, कोई आदेश दिया जा रहा है या कोई कंपल्सन है, बाध्यता है, मजबूरी है, तो उसमें क्या करते हैं कि सहायक क्रिया जो होती हैं, जो हेल्पिंग वर्ब्स जो होती हैं उनको हम बदल देते हैं। कैसे बदलते हैं कि हम शुरू में किसका यूज कर रहे थे, आई और बी के साथ सेल का कर रहे थे, लेकिन अब आई और बी के साथ किसका यूज करेंगे, विल का कर देंगे। और अदर्स के साथ विल का करते थे तो उनके साथ किसका यूज करेंगे, सेल का। तो यदि किसी सेंटेंस से ये धमकी, आदेश या बाध्यता प्रकट होती है तो वहाँ हम क्या करते हैं कि इनका हम यूज़ करते हैं, आई वी के साथ विल और अदर्स के साथ सेल लगा देते हैं। फॉर एग्जांपल, मैं तुम्हें मार दूंगा, धमकी हो गई, धमकी हो गई तो आई के साथ हमने क्या लगाया, आई विल किल यू, है आई विल किल यू। तो ये क्या हुआ कि धमकी हो गई, तो आई थिंक यू हैव गॉट माई पॉइंट व्हाट आई टॉट यू नाउ। ओके, टेंस को, उसके एक्शन को दर्शाने के लिए कुछ अलग तरीके हैं, जैसे कि गोइंग टू के द्वारा। जब कोई व्यक्ति निकट भविष्य में किसी कार्य को शीघ्र करने का इरादा रखता हो तो वहां पर हम फ्यूचर एक्शन का प्रयोग करते हैं, गोइंग टू का प्रयोग करते हैं। जैसे कि मैं कल एक नई बाइक खरीदने जा रहा हूं, आई एम गोइंग टू परचेज ए न्यू बाइक। ओके, दूसरी बात, सिंपल प्रेजेंट टेंस में जब कोई प्रोग्राम पहले से ही किसी कैलेंडर से या किसी टाइम टेबल के द्वारा निर्धारित हो तो वहाँ पर हम इस बेसक सेंटेंस हमारा फ्यूचर इंडेफिनिट में होता है लेकिन उसको सिंपल प्रेजेंट में बनाते हैं। जैसे कि मिस्टर शर्मा 30 अप्रैल को रिटायर होंगे, तो पहले से ही प्लान्ड है, फिक्स है, मिस्टर शर्मा रिटायर्स ऑन 30 अप्रैल। तो ओके गाइस, मुझे लगता है कि आपको सब कुछ जो मैंने बताया है समझ में आया होगा। और देखिए, आप इस चैनल को, फेयर इंग्लिश क्लासेस चैनल को सब्सक्राइब करिए, इसका जो कंटेंट है उसको ढंग से समझिए और शेयर भी करिए। थैंक्स।